नमस्कार, शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की याद में पूरे भारत में शिक्षक दिन मनाया जाता है। आज के दिन सभी छात्र जिनको शिक्षक बनने का मौका मिलता है और बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, एक दिन के शिक्षक जो बनते हैं उनको विशेष रूप से अभिनंदन। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। वो एक दार्शनिक थे और प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक को राजा होना चाहिए और वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो उनके नाम के आगे जो सर्वपल्ली है वो उनके गांव का नाम है और उनके पास 1962 में कुछ लोग गए और उन्होंने कहा, उनके छात्र खास करके, कि हम आपके जन्मदिवस को मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिवस क्यों पूरे शिक्षक या जो जितने भी शिक्षक हैं उनकी याद में मनाया जाए। उस दिन से 5 सितंबर को उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। वैसे पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है कि वो असाधारण है, किंतु उसकी असाधारण शक्तियाँ क्या कभी बाहर आ सकती है? एक प्रश्नार्थ, कभी बाहर आ सकती है, कभी नहीं भी आ सकती। असाधारण इसीलिए कहा कि वो चाहता वो कर सकता है, उसके सामने एक जिंदा पीढ़ी है। शिक्षक सबको बनाता है, डॉक्टर को बनाता है, इंजीनियर को बनाता है, पुलिस को बनाता है, सबको वो बनाता है, किंतु शिक्षक जो है वो जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बच्चा बिगड़ता है या अच्छा बनता है तो जितना अच्छा बनता है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए जितनी दौड़ लगती है, अगर वो बुरा भी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो है बच्चे को छोटा है और उसको स्कूल में भेज देते हैं, तब से वो शिक्षक के पास रहता है जब तक वो समझदार न हो जाए। इसीलिए समय और समझदारी में अंतर ये है कि शिक्षक जो है वो समय रहते आप में समझदारी का विकास करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में वो जानकारी देता है। किंतु आज के युग में छात्र इतने हाईटेक होते जा रहे हैं, उनके सामने हमें भी इतना हाईटेक, सुपर हाईटेक होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक जो है वो जिंदा आदमी की जिंदा दिली को जिंदा रखने का काम करता है। शिक्षक आदमी के भीतर के मानवी को मानवी बनाने का काम करता है। शिक्षक किसी भी मूर्ति में जान फूंकने का काम करता है। शिक्षक एक निर्जीव मूर्ति को अच्छे से स्वरूप देने का काम करता है जो अच्छे समाज का निर्माण कर सके। केवल शिक्षक की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तोते बनाए, हमें तोते नहीं बनाने हैं, केवल रटने वाले तोते नहीं बनाने हैं कि क्लास में गए, असाइनमेंट दिया, प्रश्न दिए, कोर्स पूरा किया, केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है शिक्षक की। शिक्षक की जिम्मेदारी तो कोर्स पूरा करने के बाद से शुरू होती है, क्योंकि जब तक उसको वैल्यू एजुकेशन नहीं मिलेगा, मूल्य शिक्षण नहीं मिलेगा, उसको विद्यार्थी को पता नहीं होगा या वो गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो सब शिक्षक को सिखाना पड़ेगा, तभी आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। और शिक्षक में बहुत शक्तियां है भाई, अपूर्व अभूतपूर्व है शिक्षक, और उन शक्तियों को वो जागृत करे तब केवल वो अपने स्वार्थ के लिए काम करे तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता भी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जितना काम करता है शायद उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक के हाथ हजार होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि शिक्षक को जो भी काम आप सौंपेंगे वो खुशी खुशी करता है। बाकी कभी कभी आप देखते हैं कि उसको इलेक्शन का काम हो, उसको मतदार यादि का काम हो, जितने भी उसको काम सौंपे जाते हैं, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन का काम हो या दूसरे कोई काम हो, उन सब को वो बखूबी आनंदित होके करता है
और ये प्रोफेशन ऐसा है कि दूसरे प्रोफेशन में आपको जो सम्मान नहीं मिलता वो सम्मान यहाँ पर मिलता है। दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है कि आप अगर कुर्सी से उतर गए तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, यहाँ पर आप उतरने के बाद भी आप दूसरों के सम्मानित व्यक्ति रहते हैं। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत है, और जब वो वर्ग में जाता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो अपने आप के हिसाब से जिस प्रकार से उसको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो पढ़ा सकता है, वो बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन कर सकता है वो खुद तय कर सकता है, ये दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोफेशन को, शिक्षक के कार्य को हम वंदन करते हैं, सलाम करते हैं और उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें भी इस पायदान पर पहुंचाया और हम दूसरे लोगों को उस पायदान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं।